नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। हांगकांग के खिलाफ मैच के दौरान मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव का बल्ला जमकर चला। उन्होंने मैच में 261 के शानदार स्ट्राइक रेट से महज 26 गेंदों पर 68 रन ठोक दिए। इस दौरान उनके बल्ले से 6 छक्के और इतने ही चौके आए। निर्धारित 20 ओवर खत्म हो गए, अन्यथा आज सूर्य कुमार को रोक पाना नामुमकिन जैसा नजर आ रहा था। मैच के बाद मुंबई के इस बल्लेबाज ने खुलासा किया कि आखिर 360 डिग्री बल्लेबाजी करने की कला उनके अंदर कहां से। सूर्य कुमार यादव ने इनिंग ब्रेक के दौरान आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान, मैंने इन शॉट्स की प्रैक्टिस पहले नहीं की थी। जब मैं काफी युवा था तब अपने दोस्तों के साथ सख्त पिच पर रबर बॉल से काफी ज्यादा क्रिकेट खेला करता था, लिहाजा इस तरह के शॉट मेरे अंदर वहां से आए हैं। जब मैं ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के साथ अंदर डगआउट में बैठा हुआ था तब मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि एक बार सेट होने के बाद मैं वो सभी शॉट ट्राई करूंगा और स्कोर को 170 तक ले जाने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि यह स्कोर इस विकेट पर अच्छा है। हांगकांग के गेंदबाजों की सूर्य कुमार यादव ने जमकर ठुकाई की। आखिरी ओवर में उन्होंने सभी 6 गेंदें खेली और उनमें 4 छक्कों की मदद से 26 रन ठोक दिए। सूर्य कुमार के सामने हांगकांग के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए। भले ही लंबे समय बाद आज विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने में सफल रहे, मगर सूर्य कुमार यादव ने महफिल लूट ली। इस मैच में भारत को 40 रन से शानदार जीत दर्ज की है और भारत टॉप 4 में पहुंच चुका है। क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारी पाने के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें।